नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 जून, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का हो रहा आयोजन। नया अपराध कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जाने बिहार पुलिस की तैयारी। ई शिक्षा कोर्स ऐप के जरिए शिक्षकों की 2 बार लगेगी हाजिरी। हाईवे पर सफर के दौरान ये सुविधाएं मिलती हैं मुफ्त। नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। आज भारतीय टीम और कनाडा टीम के बीच होगा मुकाबला। बड़ी खबर, चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आरआरसी गोरखपुर ने अप्रेंटिस के लिए निकाली भर्ती। आरआरसी गोरखपुर ने जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वर्कशॉप या यूनिट में अप्रेंटिस के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत वर्कशॉप में फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट और टर्नर ट्रेड के लिए 1104 अप्रेंटिस भरे जाने हैं। इस भर्ती के लिए आपको ner.indianrailways.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिसूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगे हैं। बैठक में सीएम नीतीश ने बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही जानकारी मिली है कि राजस्व प्रशासन से जुड़े सभी पुराने आदेश, नक्शे, भू अभिलेख और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाइन भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के आधार पर बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। प्रदेश के पुराने 22 ANM स्कूल और पुराने 6 GNM ट्रेनिंग स्कूल का संचालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए 247 नए पदों के सृजन को स्वीकृति भी मिली है। पटना में 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का हो रहा आयोजन। 16, 17 और 18 जून को रविंद्र भवन पटना में अवसर इष्ट द्वारा 100 वर्षों तक या उससे भी ज़्यादा बिना किसी दावा के पूर्णतः निरोग और स्वस्थ जीवन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर 16 जून को सुबह 10 बजे इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर खादर वली को भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि इस आयोजन समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद आरके सिन्हा ने इसकी जानकारी दी है। इस प्रशिक्षण शिविर में मोटे अनाज के फायदे के और इसे बनाने और खाने की विधि की विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही आहार को ही अपनी औषधि कैसे बनाए इसकी चर्चा की जाएगी। नया आपराधिक कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जाने बिहार पुलिस की तैयारी। नया आपराधिक कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रदेश के थानों का बिहार पुलिस द्वारा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जानकारी बिहार पुलिस ने अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर साझा की है, जहां बताया गया है कि इसके आधुनिकीकरण के तहत प्रदेश के हर थाने में एक पूछताछ कक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही एक वर्क स्टेशन भी होगा। हर थाने में एक रिकॉर्ड रूम की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा डेटा सेंटर भी तैयार किए जाएंगे। पुलिस के कामों में मदद के लिए एक अनुसंधान हॉल भी तैयार किए जाएंगे। ई शिक्षा कोर्स ऐप के जरिए शिक्षकों की 2 बार लगेगी हाजिरी। शिक्षा विभाग ई शिक्षा कोर्स ऐप से सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षकों को इस ऐप में 2 बार हाजिरी बनानी होगी। पहली हाजिरी तब बनेगी जब शिक्षकों का विद्यालय में प्रवेश होगा, वहीं दूसरी हाजिरी तब बनेगी जब वे छुट्टी के बाद स्कूल से जाएंगे। शिक्षकों को इस ऐप के जरिए दोनों ही समय में हाजिरी बनाना अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए शिक्षकों के ऑनलाइन आईडी को दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले के सभी प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स ऐप के जरिए 25 जून से हाजिरी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के तहत कहा गया है कि आगे चलकर बच्चों की हाजिरी भी इसी से लगेगी। कृषि वानिकी योजना का उठाए लाभ। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से कृषि वानिकी योजना में शामिल होने के लिए किसानों के लिए सुनहरा अवसर है। ये योजना किसानों की आमदनी और हरियाली दोनों ही को बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है। IPRD बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना के तहत 10 रुपये प्रति पौधे की सुरक्षित राशि 3 वर्षों के लिए देकर पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं।
तीन साल बाद सुरक्षित जमा 10 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। कृषकों को 3 वर्षों के बाद पौधों की 50% या उससे अधिक उत्तर जीवितता होने पर 60 रुपए प्रति पौधे अलग से दिए जाएंगे। इसके लिए आपको संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा। कार्यालय अवधि में अधिक जानकारी के लिए आप 0612-222-6911 पर संपर्क कर सकते हैं। हाईवे पर सफर के दौरान ये सुविधाएं मिलती हैं मुफ्त। एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए हमें से कई लोग हाईवे की मदद लेते हैं। आपने भी कई बार हाईवे के जरिए अपनी यात्रा पूरी की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हाईवे पर सफर के दौरान हमें कई सुविधाएं भी मिलती हैं? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे। ये सभी सुविधाएं आपको मुफ्त में दी जाती हैं। हाईवे पर लगातार लंबे सफर के दौरान हमें थकावट तो हो ही जाती है। ऐसी स्थिति में यदि हाईवे पर आपको कोई ढाबा दिखे तो आप यहाँ रुककर आराम कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से निःशुल्क पानी और वॉशरूम की सुविधा भी ले सकते हैं। हाईवे पर सफर के दौरान यदि आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है तो आप 1033 पर कॉल भी कर सकते हैं और 5 लीटर तक पेट्रोल भी मंगवा सकते हैं। पेट्रोल मंगवाने के लिए आपसे केवल पेट्रोल के ही पैसे लिए जाएंगे। इसके कोई भी डिलीवरी चार्ज आपको नहीं देने होंगे। इसके अलावा आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो आप इसी नंबर पर कॉल करके मैकेनिक या क्रेन भी मंगवा सकते हैं। मैकेनिक के आने पर आपको चार्ज नहीं देना होगा। हालांकि यदि मैकेनिक आपकी गाड़ी ठीक करता है तो आपको इसके लिए पैसे देने होंगे। इन फ्री सुविधाओं की मदद से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। इस जिले में मछली पालन का प्रशिक्षण देने के साथ ही रहने खाने की व्यवस्था भी निःशुल्क। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए हुनरमंद होना चाहते हैं तो बेरोजगारों को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के जरिए इन्हें कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि लोग खुद आत्मनिर्भर होकर दूसरों को भी रोजगार मुहैया करवा सके। अब इसी कड़ी में भोजपुर जिले में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कोइलवर में 20 जून से 10 दिवसीय मछली पालन आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यदि आप भी मछली पालन को अपने रोजगार का जरिया बनाना चाहते हैं तो यहां आकर 10 दिनों का प्रशिक्षण ले सकते हैं। यहां आपके खाने और रहने दोनों की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले लोगों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी, राशन कार्ड की फोटोकॉपी यदि है तो 5 फोटो, कम से कम 8वीं पास प्रमाण पत्र, 250 रुपये सिक्योरिटी मनी के साथ आकर नामांकन करवाना होगा। इसमें 300 लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार कृषि मंत्री ने इन पदों पर नियुक्तियों का किया ऐलान। सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अधिक से अधिक खेतों की मिट्टी की जांच करवाने पर जोर दी जा रही है। इसे लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मिट्टी जांच योजना की समीक्षा की है। साथ ही तत्काल मिट्टी जाँच प्रयोगशालाओं में रिक्त पदों को भरने के कृषि सचिव संजय अग्रवाल को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कृषि मंत्री ने बताया है कि अभी 207 पद सहायक अनुसंधान पदाधिकारी, 75 पद प्रयोगशाला सहायक, 26 पद सहायक निदेशक रसायन मिट्टी जांच, 22 लिपिक के पद सहित कुल 330 पद रिक्त हैं। इसके अलावा तकनीकी कर्मियों की भी नियुक्तियां होंगी ताकि राज्य के 9 प्रमंडलों के चलंत मिट्टी जाँच प्रयोगशाला को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद के सभापति के पद से दिया इस्तीफा। देवेश चंद्र ठाकुर ने बिहार विधान परिषद के सभापति के पद से अपना इस्तीफा उपसभापति को सौंप दिया है। इस इस्तीफे के साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। विधान परिषद सचिवालय ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी की है। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर सांसद चुने गए थे, इसलिए इन्होंने संवैधानिक रूप से विधान परिषद से सदस्यता खत्म होने का इस्तीफा सौंपा है। प्रदूषण बोर्ड से सहमति पत्र मामले में पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन आदि को मिली छूट। अब तक पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, ई वाहन चार्जिंग सुविधा और बायोडीजल आउटलेट खोलने और उसके संचालन के लिए प्रदूषण बोर्ड से सहमति पत्र चाहिए होते थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं होगी। इस संबंध में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। हालांकि डीजल जनरेटर लगाने के लिए पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति पत्र लेना जरूरी होगा। नीट यूजी धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट। नीट यूजी धांधली मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की है।
इस मामले में केंद्र और एनटीए को अदालत द्वारा नोटिस जारी किया गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को की जाएगी। इस मामले में न्यायमूर्ति नाथ ने कहा है कि अदालत की तरफ से कोई भी आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब जरूरी है। साथ ही इस दौरान पीठ ने वकील से ये भी पूछा कि क्या आप एक तरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है, क्या ये आपकी दलील है? वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर को जिलाधिकारी कपिल अशोक ने पद्मश्री से किया सम्मानित। जिलाधिकारी पटना सिरसत कपिल अशोक ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर द्वारा राष्ट्रपति की तरफ से पद्मश्री पुरस्कार भेंट दिया गया। आपको बता दें कि भाषा शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दौरान जिलाधिकारी ने सुरेंद्र किशोर को अपनी शुभकामनाएं दी, साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना की। आपको बता दें कि सुरेंद्र किशोर स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली जाकर पुरस्कार नहीं ले पाए थे, जिस वजह से पटना उनके आवास पर ही जाकर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया। मुजफ्फरपुर की इन 6 सड़कों की बदलेगी सूरत। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण को लेकर गंभीर हो चुके हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव को जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने 6 सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मती को लेकर प्रस्ताव भेजा है। मेरी जानकारी के मुताबिक उक्त सड़कें लगभग 24 किलोमीटर लंबी हैं और सड़कें जीर्णोद्धार के लिए करीब 1 अरब रुपए चाहिए। पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी ने स्वीकृति देने की अपील की है, साथ ही इस कार्य के लिए सक्षम पदाधिकारी को निर्देशित करने की चर्चा की गई है। जिन सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया है उसमें मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर हाजीपुर पथ पुरानी बाजार से लेकर रामदयालु तक चांदनी चौक मुजफ्फरपुर पुरानी मोतिहारी रोड लेनिन चौक से मझौलिया चौक मिठनपुरा से इमली चौक शामिल है। आज बिहार आ रहे गिरिराज सिंह उद्योग मंत्री व अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को इस बार मोदी कैबिनेट में टेक्सटाइल मंत्रालय का पदभार सौंपा गया है। मंत्रालय मिलते ही गिरिराज सिंह एक्शन में आते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गिरिराज सिंह आज 4 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। बिहार में भी उद्योग मंत्री और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक राजकीय अतिथिशाला में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक होगी। फिर वे मुजफ्फरपुर जाएंगे और यहाँ वे टेक्सटाइल पार्क का भ्रमण भी करेंगे। इस दौरान वे अधिकारियों और इससे जुड़े उद्योग से संबंधित लोगों से फीडबैक लेंगे। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। भयंकर गर्मी की मार झेल रहे बिहार में अधिकतर जगहों पर 1 से 2 दिनों में मौसम बदलने के साथ ही अलर्ट रहने की बात कही गई है। दरअसल मौसम विभाग ने आज राज्य में अधिकतर जगहों पर आंधी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज भी प्रदेश में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। यूजीसी ने फीस रिफंड पॉलिसी किया जारी। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए यूजीसी द्वारा फीस रिफंड पॉलिसी जारी की गई है। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई भी बच्चे इस नए सत्र से यूनिवर्सिटी या कॉलेज में रजिस्ट्रेशन के बाद 30 सितंबर से पहले अपना नाम वापस लेते हैं तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज द्वारा उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 12 जून को 2024-25 फीस रिफंड पॉलिसी की घोषणा यूजीसी द्वारा की गई थी। यूजीसी द्वारा इन पॉलिसी को लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक यदि कोई छात्र 30 सितंबर से पहले अपनी सीट छोड़ता है तो उसकी पूरी फीस रिफंड की जाएगी। इस दिन बिहार आएंगे पीएम मोदी। देश में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 19 जून को पीएम मोदी नालंदा पहुंच सकते हैं। इस दौरान पीएम मोदी के नालंदा यूनिवर्सिटी के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बात सामने आई है। इस दौरान वे विश्वविद्यालय में मौजूद सभी बच्चों को संबोधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का लगातार बिहार दौरा देखने को मिला था। हालांकि चुनाव के बाद पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी केंद्र में रहे या राज्य में पेपर लीक होना तय है। नीट पेपर बहुत ही गंभीर विषय है। हिरासत में अपराधी कबूल रहा है कि पेपर लीक किया गया है। नीट अभ्यर्थी, अभिभावक, विद्यार्थी और युवा सभी चिंतित हैं, लेकिन नीट परीक्षा में धांधली हुई है, ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर पूरी व्यवस्था सशंकित है।
पशुपति पारस के पार्टी ऑफिस का आवंटन हुआ रद्द। भवन निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय लोक सेवा जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल पशुपति पारस के पटना एयरपोर्ट रोड स्थित LJP दफ्तर का आवंटन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि अभी तक इसका टैक्स भुगतान नहीं किया गया था। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने आवंटन रद्द होने की अधिसूचना जारी की थी। आवंटन रद्द होने के बाद अब पशुपति पारस को जल्द ही दफ्तर खाली करना होगा। मालूम हो कि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पार्टी को यह ऑफिस 18 साल पहले दी गई थी। आज भारतीय टीम और कनाडा टीम के बीच होगा मुकाबला। आज भारतीय टीम का सामना T20 वर्ल्ड कप 2024 के 34वें मुकाबले में कनाडा से होने वाला है। आज का ये मैच फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रूवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में खेला जाएगा। आपको बता दें कि दोनों ही टीमों का ग्रुप स्टेज में ये मुकाबला आखिरी है। सुपर 8 में पहले ही भारतीय टीम शामिल हो चुकी है। यदि कनाडा अगले दौर में जाना चाहता है तो उसे ये मैच जीतना होगा। आपको बता दें कि भारत के प्लेइंग 11 में इस मैच के दौरान कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। पिछले मैच में जसप्रीत बुमराह के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए रोहित शर्मा इन्हें इस बार आराम दे सकते हैं, ताकि सुपर 8 के लिए वे अच्छे से तैयार रहें। आज के इस मुकाबले में किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1908 में कलकत्ता शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। आज के दिन वर्ष 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने नई दिल्ली में भारत के विभाजन के लिए ब्रिटिश योजना स्वीकार की थी। आज के दिन वर्ष 2006 में भारत और चीन ने पुराना सिल्क रूट खोलने का निर्णय लिया था। आज के दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। आज के दिन वर्ष 1899 में महाराज श्री राजेंद्र सिंह जी जडेजा का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय सैनिक थे। आज के दिन समाज सेवा अन्ना हजारे का वर्ष 1937 में जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे भारत सरकार के बिजली माफी योजना के बारे में। नीति ज्ञान फॉर यू नाम के यूट्यूब चैनल के थंबनेल में दावा किया गया है कि भारत सरकार द्वारा बिजली माफी योजना के तहत सभी बिजली के बिल 100% तक माफ किए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही है। ये योजना पूरी तरह से फर्जी है, इसलिए इस तरह के भ्रामक खबरों पर ध्यान देने से बचें। इस खबर को PIB फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। जियो सैटेलाइट सर्विस को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जियो सैटेलाइट सर्विस को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इसकी मदद से हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस ऑफर भारत में सीधे सैटेलाइट से की जाएगी। जियो के इस इंटरनेट सर्विस में तार या टावर का झंझट नहीं रहेगा। जियो स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी में एक रिसीवर होता है, इससे आप अपने ऑफिस, घर या कार कहीं भी लगा सकते हैं। इससे इंटरनेट आप सीधे सैटेलाइट से इस्तेमाल कर सकेंगे। क्लोजिंग के दिन सेंसेक्स और निफ्टी हाई पर बंद। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन निफ्टी और सेंसेक्स नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। सेंसेक्स 181.87 अंक ऊपर 76,992.77 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 66.70 अंक ऊपर 23,465.60 पर पहुंचा। इस दौरान लगभग 2177 शेयर बढ़े, वहीं 1598 शेयर गिरे। भारतीय रुपया कमजोर होकर शुक्रवार के दिन बंद हुआ। भारतीय रुपया 2 पैसे की गिरावट के साथ 83.56 रुपया प्रति एक डॉलर पर बंद हुआ है। लगातार तीसरे दिन निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 9 जून, ऑप्शन बी है 11 जून, ऑप्शन सी है 10 जून, ऑप्शन डी है 12 जून। इसका सही उत्तर है 11 जून। हाल ही में कौन CCI के सचिव नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है सुबोध कुमार, ऑप्शन बी है राकेश रंजन, ऑप्शन सी है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा, ऑप्शन डी है रायप्रिय सिंह। इसका सही उत्तर है इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। हाल ही में सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मौर्य काल के इतिहास के मुख्य साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है राजगीर,
ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कुम्हरार, ऑप्शन डी है गया। इसका सही उत्तर है कुम्हरार। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने नेपाल के तराई क्षेत्र में किस प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया था? ऑप्शन ए है आज़ाद क्रांति, ऑप्शन बी आज़ाद दस्ते, ऑप्शन सी है आज़ाद हिंदुस्तान, ऑप्शन डी है आज़ाद आवाज़। इसका सही उत्तर है आज़ाद दस्ते। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अखिलेश राजभर, कृष्णा प्रसाद, विकास दास, अनामिका कुमारी, नुनू गोलू कुमार, अंशु पटेल, ज्ञानती देवी, उमेश ऋषिदेव, अंशु कुमारी, रोशन कुमार, नौसाद रजा, रवि कुमार राम, राजीव कुमार, पंकज कुमार दास, कंचन कुमार यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपकी तरफ बारिश के मौसम में जल जमाव की स्थिति पैदा होती है या नहीं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।